गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द साइंस चैप्टर नंबर 5 प्लांट रिप्रोडक्शन। यस्टरडे आई हैव डिस्कस द स्विस स्ट्रक्चर ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फर्टिलाइजेशन। टुडे आई विल डिस्कस द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। व्हेन ए सीड ग्रोज इनटू ए सीडलिंग इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब एक सीड सीडलिंग करना चाहते हैं तब इसको कहते हैं जर्मिनेशन। द एम्ब्रायो और द बेबी प्लांट इज विद इन द सीड, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए सीड कोट। ये है सीड कोट, सी द डायग्राम और सी द स्ट्रक्चर, इट इज सीड कोट। एंड ये बेबी प्लांट जो है ये सीड कोट द्वारा प्रोटेक्ट होता है। द बेबी प्लांट हैज अ बेबी शूट कॉल्ड एज प्लूम्यूल एंड अ बेबी रूट कॉल्ड एज रेडिकल। ये जो बेबी प्लांट है इसको एक इसका एक बेबी सूट होता है, इसको प्लूम्यूल कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल। बेबी रूट के बेबी सूट होता है ये, उसको कहते हैं प्लूम्यूल। एंड द बेबी रूट कॉल्ड रेडिकल, और ये जो रूट है बेबी रूट है, बेबी प्लांट का जो बेबी रूट है ये है रेडिकल। ये है बेबी सूट प्लूम्यूल और ये है बेबी रूट रेडिकल। द रूट ऑफ एम्ब्रायो पुशेस द सीड कोट। ये जो रूट है एम्ब्रायो का जो रूट है, सी द पिक्चर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये है एम्ब्रायो, ऊपर वाला जो है ये एम्ब्रायो, नीचे वाला जो है ये है रेडिकल। सी दिस पिक्चर वेरी केयरफुली। इट ग्रोज इनटू द सॉइल एंड फॉर्म्स रूट। ये जो सीड कोट है एम्ब्रायो पुशेस द सीड कोट, ये मिट्टी के नीचे जाता है और रूट्स का फॉर्म लेता है। व्हाट इज द रूट, दिस इज कॉल्ड रूट्स। मिट्टी का नीचे जो पोर्शन होता है उसको कहता है रूट्स, और ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको कहता है शूट्स। द प्लूम्यूल इज पुल्ड अपवर्ड्स, द बेबी प्लांट स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द कोटिलियंस। व्हाट इज कोटिलियंस, दिस इज कॉल्ड कोटिलियंस। जब ये पुश करता है तब ये कोटिलियंस, देखो ये नीचे का जो कोटिलियंस यही ऊपर आ जाता है और इसका ऊपर का जो सीड कोट ये खुल जाता है। द स्ट्रीम ग्रोज लॉन्गर एंड लीव्स अपीयर फर्स्ट। व्हेन द लीव्स डेवलप कम्प्लीटली द कोटिलियंस फॉलो। जब पत्ता पूरा के पूरा कम्प्लीट हो जाता है तब ये कोटिलियंस जो है वो नीचे गिर जाता है। लेटर द ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर एंड फ्रूट्स अपीयर। उसके बाद ब्रांचेस बर्ड्स जो फूल है फ्रूट्स है वो सब अपीयर होता है। द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इज दस कम्प्लीट। पूरा ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं जर्मिनेशन। तो देखो ये जो प्रोसेस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, पहले सीड्स कैसे मिट्टी के नीचे आते हैं, उसका एम्ब्रायो और रेडिकल ये है, उसके बाद उसका सीड कोट निकल आता है ऊपर में पुश करता है, उसके बाद कोटिलियन बाहर हो जाता है, और देन ये जो लीव सूख जाता है और ये नीचे गिर जाता है, और देन द ब्रांचेस द फ्रूट्स और फ्लावर निकल आता है। ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये सीड से लेकर रूट्स पूरा कंप्लीट होने तक, प्लांट पूरा कंप्लीट होने तक ये पूरा प्रोसेस को कहता है जर्मिनेशन। नाउ द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे हैव फिक्स्ड टू ग्राउंड। प्लांट्स इधर से उधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये मिट्टी से फिक्स्ड हुआ है। ऑल प्लांट्स वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इफ ऑल न्यू प्लांट्स वेयर ग्रो नियर पेरेंट प्लांट। ऑल प्लांट्स वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सब प्लांट का सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है जब इसका पेरेंट प्लांट नहीं होता है। दिस इज बिकॉज देयर वुड नॉट बी एनफ सनलाइट फूड वाटर स्पेस फॉर एवरी प्लांट टू ग्रो। क्योंकि सब प्लांट ग्रो होने के लिए सनलाइट चाहिए, फूड चाहिए, वाटर और स्पेस चाहिए। यहाँ सब जगह सफिशियंट नहीं होता है, इसीलिए ये नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। सो द नेचर यूजेस सम एजेंट्स टू हेल्प द प्लांट टू स्कैटर द सीड्स। इसीलिए नेचर कुछ एजेंट भेजता है कि प्लांट का जो सीड्स है उसको स्कैटर करने के लिए। द जॉब ऑफ दिस एजेंट्स इज टू मेक श्योर द सीड और द फ्रूट ऑफ द प्लांट्स इज कैरीड अवे। ये एजेंट का जो जॉब है ये है ये सीड का जो फ्रूट होने तक, फ्रूट में निकल आने तक इसको कैरी करने के लिए हेल्प करता है। When this agent scattered and spread the seed different places, the process is called dispersal. What is called dispersal? तो जब ये agent scattered होता है और seed को spread करने के different place में
स्कैटर्ड और स्प्रेड करने में हेल्प करता है तो ये प्रोसेस को बोलता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सीड्स कैन बी डिस्पर्स इन फोर नेचुरल वेज. ये सीड्स कैसे डिस्पर्स होता है? फोर वे. ये फोर वे क्या क्या होता है? विंड डिस्पर्सल. सम लुक एट दिस पिक्चर. सम सीड्स लाइक मैपल, डेंडियन, ड्रमस्टिक्स, मैडर और एटसेट्रा, ट्रफ्ट्स ऑफ हेयर ऑफ देम, दीज विंग्स एंड फ्लर्ट्स ऑफ हेयर एनेबल देम टू फ्लोट इन द एयर एंड गेट कैरिड अवे. जब जोर से हवा निकलता है, ये जोर से हवा निकलने के टाइम ये जो सीड्स है ये एक प्लेस से उड़कर दूसरे प्लेस में जाता है. और वाटर डिस्पर्सल. सम प्लांट्स ग्रो नियर फ्लोइंग वाटर सो द फ्रूट्स कैट स्टेटेड बाई वाटर. सम प्लांट्स जो वाटर में होता है, सपोज ये जो लोटस होता है तो इसका जो फ्रूट्स होता है ये वाटर स्कैटर्ड होता है वाटर बाय वाटर. सच प्लांट्स हैव फ्रूट्स विद अ स्पेशल स्ट्रक्चर टू एनेबल टू फ्लोट ऑन वाटर. ये सब जो प्लांट है इसका जो फ्रूट है इसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ये पानी में फ्लोट होने के लिए. देयर आउटर कोट्स एंड स्पॉन्जी एंड फाइबर्स. उसका जो वो जो पानी में जो प्लांट ग्रो करता है उसका जो सीड है उसका आउटर कोट बहुत ही स्पॉन्जी और फाइबर्स होता है, जैसे कोकोनट्स, लोटस एक्सेट्रा. तो ऐसे पानी में जो प्लांट्स ग्रो होता है उसका सीड्स ये स्पॉन्जी होता है, इसीलिए एक से दूसरा फ्लावर तक चला जाता है. सो टुडे अप टू दिस, नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस द नेक्स्ट डे.